एशिया कप के वेन्यू पर 3 मार्च को ACC लेगी फैसला। PCB BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बेशक यह कह दिया हो कि इस साल एशिया कप दुबई में खेला जाएगा और भारत पाकिस्तान दोनों इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने इस पर साफ कहा है कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार एशियाई क्रिकेट परिषद को है और वही फैसला लेगी कि यह टूर्नामेंट इस साल कहां खेला जाएगा। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, इसलिए इस बार यह एशिया कप T20 प्रारूप में खेला जाएगा। PCB के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान बोर्ड एशिया कप का मेजबान है, लेकिन ACC इस पर फैसला लेगी और सभी देशों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। PCB अधिकारी ने कहा टूर्नामेंट की जिम्मेदारी ACC के जिम्मे है और इसलिए एशिया कप का स्थल स्थानांतरित करने का अधिकार सिर्फ इसी संस्था को है। ACC की बैठक दुबई में नजमुल हसन की अध्यक्षता में 3 मार्च को होनी है और इसी में सभी देशों के हितों का ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले गांगुली ने कहा था कि एशिया कप दुबई में खेला जाएगा और भारत पाकिस्तान दोनों इसमें हिस्सा लेंगे। इस एशिया कप की मेजबानी वैसे पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। भारत ने 2008 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान ने वनडे और T20 सीरीज के लिए आखिरी बार 2012 में भारत का दौरा किया था। इस दोनों देशों ने पिछले 8 सालों से एक दूसरे के साथ कोई बायलेटरल सीरीज नहीं खेली है। हालांकि ICC टूर्नामेंट और एशिया कप में ये दोनों देश आमने सामने होते रहे हैं। BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं मिलती, पाकिस्तान से बायलेटरल क्रिकेट सीरीज खेलनी मुश्किल है। इस साल सितंबर में एशिया कप 2020 का आयोजन पाकिस्तान में होना है और BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा।